कांग्रेस के एमपी ने कैप्टन अमरिंदर को बताया मानसिक रोगी। क्या है हुच दुर्घटना जिसके कारण सीएम पंजाब को कांग्रेस एमपी ने ही बताया पागल। कांग्रेस के सांसद प्रकाश सिंह बाजवा ने अपनी ही पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनकी नाराजगी के स्वर इस कदर भारी थे कि उन्होंने वर्तमान सीएम को सरफिरा तक बता दिया है। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर बाजवा कैप्टन पर इतना भड़के हुए हैं, जानते हैं संक्षेप में। सांसद साहब ने इस नाराजगी के पीछे की वजह हुच दुर्घटना को बताया है। हुच दुर्घटना वही घटना थी जिसके कारण जहरीली शराब से पंजाब के 3 जिलों में 121 लोगों की मौत हो गई थी। बाजवा जी ने इसको लेकर बताया कि हुच घटना को लेकर जैसे ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से कोई सवाल पूछा गया, वो सब पका गए तथा वे मानसिक सुध-बुध खो बैठे। 121 मौत कोई छोटी घटना नहीं है। वे अपनी मानसिकता के कारण सोच रहे होंगे कि उन्हीं की पार्टी के नेता उनसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। सीएम अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने के लिए केस के लिए एसआईटी गठन की बात कह रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि बाटला में क्रॉकरी फैक्ट्री कांड के बाद एसआईटी रिपोर्ट का क्या हुआ। हुच घटना पर भी एसआईटी गठन एक बचकाना हरकत है। क्या हम पूछ सकते हैं कि जालंधर के कमिश्नर इस मामले में जाँच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्साइज विभाग कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है। उनको इस बात का भी सीधा फायदा मिलेगा कि गृह मंत्रालय भी सीएम ने पकड़ रखा है। बाजवा ने और आगे बताया कि वे एक्साइज विभाग के काम पर मिट्टी डालने नहीं बल्कि उसकी भूमिका को इस मामले में उजागर करने के लिए गवर्नर साहब के पास गए थे। इस तरह के मैखाने तथा शराब फैक्ट्रियां कोल्ड ब्लडेड मर्डर के अलावा कुछ नहीं है। अपने ज्ञापन पत्र में भी बाजवा ने ईडी या सीबीआई जांच की मांग की है। बाजवा यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा में हटाने को लेकर के मुख्यमंत्री को खूब खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सन 1980 में मेरे पिताजी की मौत भी ड्रग्स माफिया तथा कट्टरपंथियों से दुश्मनी के चलते करा दी गई थी। कट्टरपंथियों की इसी सोच के खिलाफ खड़े होने के चलते ही मेरे ऊपर भी हमला किया गया था। तब से अब तक मेरी सुरक्षा में कभी ढील नहीं देखी गई। अगर आज मुझे या मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई चूक हो जाती है तो उसकी जवाबदेही चंडीगढ़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल संजय बेनीवाल तथा कैप्टन अमरिंदर की होगी। कैप्टन साहब भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए लिखा, यह और कुछ नहीं राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। इस तरह की बयानबाजी से वे पुलिस फोर्स का मनोबल गिरा रहे हैं। ये सब कुछ उनकी हताशा को दिखाता है। उनकी बेशर्मी भारी झूठ जल्द ही सामने आएगा। बाजवा जहां शराब माफिया तथा पॉलिटिकल सांठगांठ को लेकर अमरिंदर सिंह को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर भी समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन नुकसान तो कांग्रेस को होना है।